टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। सो आज का ब्लॉग शुरू किया है मैंने आफ्टरनून से, आई थिंक 1:30 या 2 बज चुका है। मेरा लंच वगैरह सारा कुछ बन चुका है, तो मैं दिखाती हूँ कि मेरे घर में आज क्या क्या हो रहा है इस लॉकडाउन के दौरान, घर में पैक होने के दौरान, बिग बॉस के घर में इस टाइम, मतलब मेरे घर में क्या क्या हो रहा है मैं वो आप लोगों को आज शेयर करूँगी। और मैंने लंच में आज बनाया था पम्पकिन मीन्स कद्दू की सब्जी, नॉर्मल जो रेसिपी होती है ना, क्योंकि इतने दिन से टेढ़ी मेढ़ी रेसिपीज बनाते बनाते आज मैं सोच रही थी कुछ हल्की सी फटाफट सी रेसिपी बना लेती हूँ। तो मैंने पुदीने की चटनी बना ली है यहाँ पे, और बनाया था पम्पकिन और आटा लगा के रख दिया है क्योंकि लेट उठे थे, लेट ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में चीला बनाया था, तो वो सारा कुछ है। सो चलिए देखते हैं कृष्णा और कृष्णा के पापा को कि वो लोग क्या कर रहे हैं। इन दोनों के बीच हुआ है एक ड्राइंग कंपटीशन, तो ये दोनों लोग बना रहे हैं ड्राइंग, और इसका जज कौन है? इसका जज है आप लोग। आप लोग डिसाइड करेंगे कि कृष्णा की ज़्यादा अच्छी है या कृष्णा के पापा की। सो इसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रही थी, बट इन दोनों लोगों ने चीटिंग करी है। मैं किचन में काम कर रही हूँ, इन लोगों ने पहले ही अपनी ड्राइंग शुरू कर दी है और बाद में मुझसे कह रहे हैं आओ तुम भी बनाओ तुम भी बनाओ। तो ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, पार्टिसिपेट जब करते हैं तो एक साथ टाइमिंग शुरू होनी चाहिए। तो मैंने बोला मुझे नहीं करना, मैं किचन अपनी संभाल रही हूँ, तुम लोग ड्राइंग बनाओ। तो ये लोग ड्राइंग बना रहे हैं, तो चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ये लोग क्या क्या बना रहे हैं, और आप लोग डिसाइड करना। ओके, अभी पूरी बनाई नहीं मैंने। क्या हो रहा है? अच्छा लग रहा है घर में? हाँ बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम्हें तो। पढ़ाई कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो घर में? नहीं कर रहे? नहीं 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 नहीं। आज मैं अभी ड्राइंग बना रहा हूँ, अभी मेरी खत्म नहीं हुई है। गर्मी हूँ, आप भी अपने घर रहे, अपने बच्चों के साथ खेले और ड्राइंग करे जैसे यार पापा और मैं। और यहाँ पे चल रही है हमारे आर्टिस्ट की ड्राइंग। आज आर्टिस्ट की ड्राइंग देख के तो आप लोग शॉक्ड रह जाएंगे कि ये इंजीनियर के साथ साथ एक बहुत बड़े आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, जो बात आज मुझे पता चली है। ये देखिए ये देखिए ये दिखा दो थोड़ा सा। ये बना रहे हैं यहाँ पे कृष्णा की कोई पिक ली है, पिक्चर ली है ना कोई? कहाँ है वो पिक्चर? कहाँ है? अरे उससे मिलता जुलता कुछ कुछ मिलता जुलता, मतलब कृष्णा नहीं बन रहा है, कुछ और बन रहा है, मिलता जुलता बन रहा है। कोशिश कर रहे हैं वो कृष्णा की, बहुत छोटे की एक पिक है, आई थिंक एक साल का भी नहीं था, पहला बर्थडे की शायद इसकी ये पिक है, हम लोग बाहर गए थे तो उसी की ये कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोग बताना कि कहाँ तक ये लोग ये सक्सेस रहे हैं, ये लोग नहीं ये कहाँ तक सक्सेस रहे हैं। कृष्णा तो फर्स्ट ही है, बट आप लोग ये पिक्चर बताना ये कहाँ तक सक्सेस रही है। कृष्णा क्या क्या बनाया है बताओ? ये अपना पूरा शहर, और ये हमने बनाया है मदाली। और ये कौन कौन है? मैं, मेरा मतलब पापा, मैं, मम्मा। अच्छा, और ये कौन है? ये आइसक्रीम वाला है। आइसक्रीम वाला है? इस टाइम पे भी, लॉकडाउन के टाइम पे भी आइसक्रीम वाला है? हैं? इसको परमिशन है घूमने की? यस। किसी को परमिशन नहीं है, सबकी विंडो बंद है, है ना? ये सब इनकी खुली है विंडो। अच्छा, विंडो से देख रहे हैं बाहर ये, है ना? हाँ। अच्छा चलो पापा की देखते हैं। पापा ने बनाए हैं मैं कौन है? मैं मतलब मैं। हाँ। आज इस आर्टिस्ट का रूप बाहर निकल के आया है, ये देखिए इन्होंने कितने मन से कृष्णा की पिक बनाई है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 90% मैच कर रही है, 90%। आप लोग बताना, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार पिक्चर सामने रखो ना इसके पास में इसके। अरे मम्मा ला, आपने पढ़वा दी। मेरे को लगता है 80% लगता है, थोड़ी सी स्माइल कृष्णा वाली अच्छी लग रही है, क्यूट सी, और वैसे ऑलमोस्ट 80% है। आप लोग डिसाइड करना, मगर इस आर्टिस्ट का ये रूप मैंने ना, सच बता रही हूँ, शादी को 7 साल हो गए मगर अभी देखा है मैंने। आपको अच्छा, आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है?
बनाते थे पहले आप? बोलो, अच्छी लग रही है ना? आप लोग डिसाइड करिए क्या करना चाहिए, कितने मार्क्स देने चाहिए इनको। इनको तो ना तो चुकी हूँ किचन में गोभी आलू की सब्जी बनाने। तो यहाँ पे मैंने गोभी को महीन महीन कट कर लिया था नॉर्मल से साइज का, और उसको मैंने गर्म पानी में 5-10 मिनट के लिए रख दिया था, और आलू भी जो है वो लंबे लंबे मैंने कट कर लिए थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, जिसमें मैं इसको गोभी को धीरे धीरे से लाल होने तक फ्राई करूंगी। तो ये सब्जी जो है ये बिना प्याज के बनेगी और बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनी थी अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गोभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है और बस अब मैं इसको निकाल लूंगी इसको लाल होने तक। देख रहे हैं आप, यहाँ पे मेरी गोभी जो है वो अच्छे से लाल हो चुकी है। सो बस मैं इसको फटाफट से निकाल लूंगी। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें मैंने जो अपने आलू कट किए थे इनको भी मैं अच्छे से धीमी सी स्लो फ्लेम में इसको मैं फ्राई कर लूंगी, और लाल होने तक इनको मुझे फ्राई करना है जिस तरीके से हमने अपनी गोभी को फ्राई किया था उसी तरीके से इन आलूओं को भी फ्राई करना है। तो यहाँ पे भी मेरी आलू जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, सो बस मैं इनको भी निकाल लूंगी। उसी सेम कढ़ाई में मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, उसी में मैं डाल दूंगी हींग, साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें जीरा, और साथ में ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी, जो कि मैं हर एक अपनी सब्जी जब भी बनाती हूँ आपको बताती हूँ कि तेल में अगर आप हल्दी डाल देंगे तो छिट्टे आती हैं, जो ऊपर से छिट्टे पड़ती हैं हमारे गैस स्टोव वगैरह में वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर, 2 बड़े टमाटर लिए थे मैंने, और 1 हरी मिर्च ली थी क्योंकि हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी थी और फिर कृष्णा नहीं खा पाता, तो मिर्च का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप तेज मिर्च खाते हैं तो आप और ज्यादा डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अदरक को कद्दूकस कर लिया था थोड़ा सा, 1/2 पिंच मान लीजिए आप। तो यहाँ पे मैंने साथ ही में अदरक डाल दिया, उसी के साथ मैंने डाल दिया है नमक ताकि मेरे टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाए। उसी के साथ मैंने जो रेगुलर मसाले होते हैं हमारे, धनिया हल्दी वगैरह, वो सारा कुछ मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बिलीव मी, बिना प्याज के सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो डोंट वरी, नवरात्रे हैं प्याज नहीं खा सकते लेकिन बिना प्याज के भी बहुत टेस्टी सब्जी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो मैंने गोभी और आलू जो फ्राई किए थे वो मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो उसमें मैं इसको डाल दूंगी। तो इसी तरीके से आप भी इस क्वारंटाइन पीरियड में अपने घर के साथ रहिए, कुछ टास्क करिए, कुछ खाना बनाइए। आपको पता है ये मौका फिर से नहीं मिलेगा, इसको सैड होके नहीं, इसको आपको बहुत खुशी के साथ अपनी फैमिली के साथ एक्सपेंड करना है, मैं यही कहूंगी। और लोगों को लगता है कि मैं दिखावा करती हूँ या मुंह देखी बात करती हूँ, तो भाई अपनी सोच अपने पास रखो। तो बस यहाँ पे मैंने गोभी आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसको चला लूंगी, साथ ही में मैंने अपने धनिया भी कट कर लिए थे धोके, तो उन सारी धनिये को भी मैं इसके अंदर गार्निश कर दूंगी। सो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय। और लास्ट में कहूंगी कि अपने अपने घर में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें और